Hi, welcome to my channel. It's between solving question 4. Subtract 3x minus 4y minus 7g from the sum of x minus 3y plus 2g and minus 4x plus 9y minus 11g. जैसा क्वेश्चन कहता है ठीक वैसा ही हम करते हैं तो सॉल्यूशन या आंसर एकदम करेक्ट होता है. तो यहाँ कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट करिए दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस, मैंने इन दोनों को अभी ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद जो आएगा उसमें से माइनस करेंगे दिस मच. तो हम एक साथ लिख देते हैं जो यहाँ पे बोला है, हम उसको एक साथ यहाँ पर एक लाइन में लिख लेते हैं फिर हम सॉल्व करेंगे. ओके, तो आप देख सकते हैं हमने क्या किया यहाँ पर, इन दोनों एक्सप्रेशन को पहले हमने ऐड कर दिया है दिस मच प्लस दिस मच, और उन दोनों को ऐड करने के बाद हमने माइनस कर लिया इस एक्सप्रेशन को. तो हमारा जो बन गया है ये बड़ा वाला एक्सप्रेशन, बस इसी को सॉल्व कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. तो लेट अस सिंप्लीफाई. तो सारे ब्रैकेट्स को हम ओपन कर देंगे और माइनस से जहां पर मल्टीप्लाई करना रहेगा वहां पर मल्टीप्लाई करेंगे और साइन को ध्यान रखते हुए सॉल्व करेंगे. यहां पर देख सकते हैं यहां पर कुछ भी नहीं है तो हम डायरेक्टली इसको ऐसे उतार लेंगे, मतलब माइनस साइन नहीं है, प्लस है यहां पर, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं. यहाँ प्लस साइन है तो प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस 4x मिलेगा. सिमिलरली यू कैन यू नो हाउ टू सॉल्व दिस, सो प्लस 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 हो जाएगा यहाँ पर प्लस 9y माइनस 11g माइनस, यहाँ पर देखिए माइनस मल्टीप्लाई करना है तो आपको यहाँ पर साइन चेंज करना होगा, सो माइनस 3x प्लस 4y माइनस माइनस प्लस माइनस एंड माइनस प्लस अगेन, सो इट इज 7g. अब यहां पर लाइक टर्म्स को एक साथ अरेंज कर लेंगे ताकि हम उनको सॉल्व कर पाए. तो हमने यहां अरेंज कर लिया है x वाले जो टर्म्स हैं x वेरिएबल वाले उनको एक साथ और y वाले वेरिएबल एक साथ और g वाले वेरिएबल एक साथ. सो यहां पर अब सॉल्व करेंगे. देखिए x माइनस 4x माइनस 3x माइनस 3x एंड माइनस 3x माइनस 6x माइनस, यहां ध्यान दीजिए माइनस 3y प्लस 9y इज 6y एंड 6y प्लस 4y इज प्लस 10y. अगेन 2g माइनस 11g इज माइनस 9g प्लस 7g मीन्स माइनस 2g. आपका जो आंसर आ जाएगा माइनस 6x प्लस 10y माइनस 2g. दिस इज योर फाइनल आंसर. मीन्स व्हेन वी ऐड दिस टू एंड आफ्टर दैट इन द रिजल्ट वी सब्ट्रैक्ट दिस वन देन वी गेट दिस वन. ओके, आपको समझ में आ गया हो कैसे करना है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.